इंडिया में कहीं भी घूमने जाओ, पर एक बार लाइफ में कश्मीर का टूर जरूर करना, कि इससे खूबसूरत जगह पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं नहीं होगी। अपने मैं गुजरात में जाके के लोगों को बताऊंगी कि आप भी एक बार जरूर कश्मीर घूमने जाइए ना, यहीं पे आना चाहिए। बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, सच में पूरा मिनी स्विट्जरलैंड ही है ये कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूरे कश्मीर में अब बर्फ पड़ चुकी है और इसके साथ साथ टूरिस्ट एंजॉय करने के लिए अब कश्मीर का रुख करने लगे हैं। पहले से आ रहे थे लेकिन अब जो बर्फबारी हुई है इसमें और एंजॉय इनको करने का मौका मिल चुका है। तो हम बात करेंगे इनसे कैसा आपको यहाँ फील हो रहा है और आप जो यहाँ पर आज आ चुके हो बर्फ देखकर आपको कैसा लग रहा है और कश्मीर के बारे में कुछ अपनी राय दीजिए। सर आप कहाँ से आए हो? गुजरात से। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल कूल कूल, पूरा वाइट वाइट देखने के लिए मिल रहा है। अब तक तो सुना था कश्मीर जन्नत जैसा है, लेकिन अब फील भी कर रही हूँ सच में कश्मीर जन्नत जैसा लग रहा है। और हम न्यूज़ में हमने देखा था कि कश्मीर में मतलब इस टाइम स्नो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद स्नो चालू हो गया। हमारा नसीब अच्छा है। पहलगाम से आप आ गए वापस? हाँ, पहलगाम से वापस आ गए घूम के। आप कहाँ जाना है? श्रीनगर जा रहे वापस, हाउस बोट में। हाँ, और किस किस जगह को आपने देखा कश्मीर में? गुलमर्ग देखा, सोनमर्ग गए, अभी पहलगाम हुआ। अच्छा, वापस श्रीनगर जा रहे हाउस बोट में। हाँ, तो बर्फ जो यहाँ पड़ी है इससे आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी जी, इससे पहले आए हो आप कश्मीर का भी? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। तो ये मेरे साथ थे गुजरात से आए हुए टूरिस्ट जिनको कश्मीर के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी तारीफ की है। तो कश्मीर के लोगों के बारे में, कश्मीर के डिशेज के बारे में? कश्मीर की डिशेज भी बहुत अच्छी लगी और यहाँ के लोगों का जो पहनावा है, कश्मीरी पहनावा, वो बहुत अच्छा लगा।